हावड़ा से दिल्ली आ रही पूर्वा एक्सप्रेस कानपुर के पास रूमा गांव क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देर रात हुए इस हादसे में ट्रेन के 12 कोच पटरी से उतर गए, जिसमें करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहत की बात यहां ये रही कि इससे किसी की भी मौत नहीं हुई और एक खास तकनीक के कारण ऐसा संभव हो सका। जानकारी के अनुसार लिंक हाफमैन बुश तकनीक से बने कोच बेहद आरामदायक होते हैं, जिससे यात्रियों को ट्रेनों की तेज स्पीड के दौरान भी झटका नहीं लगता और साथ ही रेल हादसे के वक्त भी ये कोच एक के ऊपर एक नहीं चढ़ पाते, जैसा कि सामान्य रेल हादसों में आम तौर पर देखा जाता है। रेल कोच एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और इसी से अधिक मौतों की आशंका रहती है। वहीं इस हादसे के बाद दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर 13 ट्रेनों के रूट बदले गए और साथ ही 11 ट्रेनें रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन इस हादसे में गनीमत ये रही कि किसी के भी जान जाने की खबर नहीं है और ये ऐसा हो सका एक खास तकनीक के तहत। इस ट्रेन के जो कोच बने हुए थे वो काफी आरामदायक हैं और इसी के तहत बाकी रेल हादसों की तरह इस रेल हादसे में मौतों की संख्या नहीं बढ़ी, सिर्फ लोग गंभीर रूप से घायल हुए और ट्रेन के 12 कोच पटरी से उतरे, ना कि एक के ऊपर एक चढ़े। और इस हादसे में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।